हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ अ डे टू नो डे थ्री इन जम्मू। तो टुडे वी आर एट पटनी टॉप एंड मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। तो आज हम यहाँ की प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे। तो अभी फटाफट मैं रेडी हो लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। हमारी कैब आ जाएगी, फिर उसके बाद हम कैब में आज घूमेंगे पूरे दिन और आपको भी घुमाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नाश्ता करने के बाद, नहीं रेडी होने के बाद। बाय बाय। इट्स अ ब्यूटीफुल सीन फ्रॉम आवर विंडो ऑफ आवर रूम, यू कैन सी। ऐसे व्यूज को देखकर एक अलग ही सुकून और रिलैक्स मिलता है। ये भी बात नहीं हो पाई, करूँ क्या, टाइम ही कहाँ मिल पा रहा है। सही बात है, तो टाइम बात तो जा रहा हूँ। ये कैब वाले भैया, ये कैब और हम जा रहे हैं। सो फाइनली हम कैब में आ गए हैं और अब जा रहे हैं यहाँ की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। तो ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं और हम घूमने जा रहे हैं। यहाँ ठंड हो रही है इसीलिए जैकेट वैकेट हम लोगों ने पहन रखी है। तो आज यहाँ पे आई थिंक कौन आने वाले हैं, यहाँ पे एलजी, जम्मू एंड कश्मीर के एलजी आने वाले हैं। यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन है, उसका उद्घाटन है, जिसे सनासर कहते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है वो, तो हम उसे भी एक्सप्लोर करने जाएंगे। आई थिंक अभी बंद कर रखा है, तो भी भैया बात करने गए हैं, हमारे कैब वाले भैया। तो अभी देखते हैं, फिर बाकी और प्लेसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो व्लॉग लास्ट तक देखना, बहुत मजा आएगा आपको। सो गाइज, ये डे थ्री है हमारा जम्मू में और आज मैं हूँ पटनी टॉप पे, जो कि जम्मू का एक क्लास शहर कह सकते हो आप, वो है एकदम पटनी टॉप, एकदम टॉप पे। और यहाँ ठंड बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब 5 बजे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगती है और इतना प्यारा व्यू आता है शाम का यहाँ पे। मैं आज शाम को भी रुकूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी शाम का व्यू। फिलहाल तो अभी हम घूमने जा रहे हैं यहाँ पे, तो दिखाऊंगी। अच्छा, डे टू में क्या हुआ था वो भी मैं आपसे बताती हूँ। सो गाइज, डे टू तो हमारा बहुत ही बुरा गया, पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में चला गया। और मतलब हमें जाना कहीं और था और आ कहीं हम और गए ड्यू टू सम रीजंस। और मतलब कल हमारा प्लान था श्रीनगर जाने का, बट क्या हुआ, फ्राइडे को उधर श्रीनगर जाती नहीं है बस कुछ भी, अलाउड नहीं है उधर क्रॉस करना जाना। तो हम उधमपुर पहुंच गए थे फ्रॉम जम्मू टू बाय बस, बस से हम जम्मू टू उधमपुर गए थे। देन उधमपुर बस स्टैंड पे हमको पता चलता है कि फ्राइडे को पूरा बंद रहता है और श्रीनगर के रास्ते बंद हैं, तो उधर नहीं जा सकते। अब हम बिल्कुल बीच में स्टक्ड हो गए थे। एक तो कल हमारी जो बस जम्मू से उधमपुर जानी थी वो बीच में ख़राब हो गई थी, उसके टायर का पंचर हो गया था, तो वहाँ इतना वेट करना पड़ा हमें। और फिर हम दूसरी बस में बैठे और फिर हम यहाँ, मतलब 2:30 बज गए थे हमें ऑलमोस्ट वहाँ उधमपुर पहुँचने के बाद। उसके बाद पता चलता है कि यार मतलब अब वहाँ जा भी नहीं सकते, तो इतना दिमाग ख़राब हुआ। फिर वहाँ के लोकल्स जो थे उन्होंने हमको समवॉट सजेस्ट किया कि आप पटनी टॉप चले जाओ, और हमने नाम भी सुना था यहाँ का। ये एक हिल स्टेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिल स्टेशन है और यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस भी हैं। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है और बाकी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट आई थिंक कल मैंने पूछा था यहाँ पे, तो आई थिंक अभी के लिए तो वो बंद है। तो मतलब कल का दिन ऐसे ही पूरा ट्रैवलिंग में चला गया। 11 बजे बस में बैठे थे, 11:30 बजे बस में बैठे थे, उसके बाद शाम को डायरेक्टली, मतलब शाम को हम 5:30 बजे बस से उतरे। तो फिर एक तो वैष्णो देवी गए थे, तो पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द है, क्योंकि हमने एक ही दिन में चढ़ाई करी थी और एक ही दिन में उतर के भी आ गए थे। वो भी हम पैदल गए थे, कोई ट्रॉली वॉली हमने यूज़ नहीं किया था। तो ऐसा ही रहा था, मतलब आई होप कल हमने रेस्ट किया पूरे शाम तक आराम से। और अभी हमारा नेक्स्ट थर्ड डे है इन जम्मू, सो चलेंगे अभी यहाँ की प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी बहुत मन था श्रीनगर जाने का, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि फ्राइडे बंद है और मतलब मंडे को हमें ऑफिस भी जाना है। हमारी ट्रेन कल की है, कल शाम की है, तो अगर हम आज श्रीनगर पहुंच भी जाते, मतलब आज निकलते अगर हम, तो शाम तक पहुंच पाते 4 बजे तक, तो हम वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते क्योंकि अगले दिन हमें फिर बस पकड़नी होती, फिर यहाँ आना पड़ता, तो कोई फ़ायदा नहीं था। शक्ल देख के आना इट्स नॉट अ गुड थिंग,
तो अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है उसको, श्रीनगर हम कभी और जाएंगे, और बाकी तो यहाँ पत्नीटॉप आज घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। कह ही रहा हूँ आपको जाने नहीं देंगे, आप कल कह रहे थे जाने देंगे, लग नहीं रहा था जाने देंगे, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन होता है ना पहले ही कर लेते हैं जनरल पब्लिक का। अच्छा अच्छा। क्योंकि कोई भी मिनिस्टर, हाई मिनिस्टर हुआ, सब कुछ हुआ, फिर जाके एंट्री मिली थी, ऐसे नहीं को जाने देते। तीन चार लेयर होती है इनकी, पहले पुलिस की, फिर आर्मी की, फिर उसकी पर्सनल जो सिक्योरिटी चेक। हाय गाइस, तो हम यहाँ पे आए हैं चिल्ड्रन पार्क घूमने, यहाँ का भी चिल्ड्रन पार्क है, चलो फिर चिल्ड्रन पार्क घूमते हैं, देखते हैं कैसा है। ट्रीज की और देख सकते हो आप, अब जैसे कि जैसे नीचे जाएंगे हम आपको व्यू दिखाएंगे कि ये कैसा है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। और ये यहाँ पे कैंटीन है, यहाँ बच्चे को झूले हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे आप कश्मीरी ड्रेस पहन सकते हो और अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो वैरायटी ऑफ ड्रेसेस, ब्यूटी, वाओ, ब्यूटी ऑफ नेचर, वाओ, लुक एट दिस प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। तो अभी ये कश्मीरी ड्रेस जो है वो यहाँ पे मैं पहन के फोटोज क्लिक करवाऊंगी, ज़्यादा महंगी नहीं है, 120 पर पिक्चर है, आपको फोटो क्लिक करके 10 या 15 मिनट में वो निकाल के दे देंगे, तो अभी क्लिक करवाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ऐसी मैंने जम्मू में भी क्लिक कराई थी फोटोज, यहाँ पे भी करवाएंगे। से हाय, हेलो, हेलो बोलो। मेरे पति को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरी वीडियो में आने का। ओके गाइस, आ जाओ फिर अंदर दिखाते हैं, देख रहे हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ। तो ये यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए काफी ज्यादा झूले थे यहाँ पर। गाइस देख रहे हो, मैंने जैकेट भी उतार ली, रील्स शूट करी थोड़ी सी और फोटोज वगैरह क्लिक कराई हैं। तो अभी आई थिंक इतना ही है यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में, तो इतना ही है, बाकी अभी दूसरे पार्क में चलते हैं या और दूसरी किसी प्लेस पे चलते हैं, तो मिलते हैं, तब तक मैं एक शूट करा लेती हूँ अपना यहाँ पे। सो लुक एट दिस व्यू, सो ब्यूटीफुल व्यू इट इज। सो ये सारी एक्टिविटीज मैंने बताया था, जैसे कैंटीन, हस्बैंड लव्स चाय, तो उन्होंने यहाँ पे भी चाय ऑर्डर कर दी, हम चाय पी के आए तो फिर भी ऑर्डर कर दी, देखो चाय पी लिए। चाय पीते हैं यहाँ चाय, अगर चाय नहीं पी तो क्या। बड़े होते हैं जो बड़ा हाल कहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि वो कट जाता है बीच से। नहीं, मैंने खिंचवाई है बड़े हाल की, छोड़ दो रेड वाला देना। हां वो ठीक है, ये नहीं, थोड़ा डार्क कलर वाला रेड नहीं है तो ये। तो भी ये रेडी हो रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, बाल बस थोड़े पीछे कर लेना। ये अच्छा लग रहा है।
चलो रेडी। गाइस घूम लिया, फोटोज वगैरह खिंचा ली, यहाँ पे 5 फोटोज मैंने, तो चलते हैं कहीं और एक्सप्लोर करते हैं दूसरी जगह।